और डीग से बड़ी खबर है, जहां अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 12 देसी कट्टे और 1 पिस्टल समेत 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। 4 नकली खिलौने बनाने वाली पिस्टल, 6 मोबाइल बरामद किए गए हैं और गिरफ्तार आरोपी सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे करके ये हथियार बेचा करते थे। ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये कार्रवाई की गई है। मुंगस्का के पहाड़ में ये एक्शन हुआ है और पहाड़ी थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। तो इस बीच ये बड़ी जानकारी है, जहां पर 4 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां पर अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। उनके पास से 12 देसी कट्टे, 1 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं और साथ ही साथ गिरफ्तार हुए जो आरोपी हैं वो सोशल मीडिया पर विज्ञापन दे करके हथियार बेचा करते थे, ये भी जानकारी मिल रही है। हालांकि प्रशासन के द्वारा एक विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही थी, ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत आप जो मुहिम है वो आगे बढ़ाई जा रही थी, उसी के तहत ये कार्रवाई देखी गई है। तो डीग से खबर, जहां अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा गया, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 12 देसी कट्टे, 1 पिस्टल, 24 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। अकरम दीन खान हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अकरम, क्या जानकारी मिल रही है? आप मामले में अभी तक बड़ा एक्शन हुआ है, आप आरोपी भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। देखिए, ठीक जिले के अंदर ये कावा विधानसभा पड़ती है, जहां पर ये पहाड़ी क्षेत्र का मामला है, पहाड़ी थाने क्षेत्र का मामला है। देखा गया है कि पहले भी साइबर ठगों के खिलाफ एक पुलिस मुठभेड़ दिखती आई है और उस पर कार्रवाई करती आई है, जहां पहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इन 4 ये साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ये 312 के बोर के 12 देसी कट्टे, 312 बोर के 1 पौना 32 बोर की 1 पिस्टल, 312 बोर के 9 जिंदा कारतूस, 12 बोर के 15 जिंदा कारतूस बरामद किए, जिसमें नकली हथियार भी बरामद किए हैं। ये सभी 4 साइबर ठग हैं जो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर इन अवैध हथियारों के फोटो डालते हैं और उनको अपने खाते में लेकर उनके साथ ठगी का काम करते हैं। पहाड़ी पुलिस काफी समय से इनको ठगों को सर्च कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं देखते हुए पहाड़ी पुलिस थाना अधिकारी ऐसे तो मनोज सिंह ने कार्रवाई करते हुए आज दहना के जंगलों से, पहाड़ी के जंगलों से इन 4 साइबर ठगों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पूर्व में भी आईजी राव प्रकाश के आदेश के अनुसार साइबर ठगों विरुद्ध कार्रवाई करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की गई थी, जहां पर कम से कम आधा दर्जन लोगों के घर जो साइबर ठग है, साइबर ठगी पैसे अर्जित करके रकम करके मकान गए बनाए गए, तो उन पर बुलडोजर ने कार्रवाई कर करने से नाबूद किया गया था। फिर भी इस मामले को ताक पर रखते हुए साइबर ठग बिल्कुल भी पुलिस का भय नहीं खा रहे हैं, जिसको देखते हुए और बकायदा इसके लिए एक अलग से स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन एंटीवायरस के तहत ये कार्रवाई की गई। बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।